वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा यूनियन पार्लियामेंट। चलिए हम लोग समझते हैं ओनली इन वन मिनट्स में यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है, इसका मेन वर्क है लॉ मेकिंग। तो यूनियन पार्लियामेंट किस चीज से कंपोज्ड होता है? यूनियन पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा से कंपोज्ड होता है। लोकसभा जो लोअर हाउस और लोक मींस पीपल होता है, इसलिए हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट और इसके अलावा देखेंगे तो राज्यसभा अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे आखिर लॉ का प्रोसेस कैसा है, प्रेसिडेंट का रोल कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर बिल तैयार होता है तो लोकसभा के पास जाता है, और अगर लोकसभा इसे अप्रूवल दे देता है तभी राज्यसभा के पास आता है। और राज्यसभा इस बिल को देखेगा, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये बिल सही है तो वो अगर पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट भी अप्रूवल दे देता है, अपना सिग्नेचर कर देता है उस बिल पर, तभी वो बिल जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी बिल तैयार हो रहा है तो लोकसभा के पास आता है। तो 90% बिल ऐसा देखा जाता है कि लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बाद ये बिल जो है वो राज्यसभा के पास आएगा, और राज्यसभा भी अगर इसे अप्रूवल दे देता है, मीन्स राज्यसभा के मेंबर अगर अप्रूवल दे देते हैं, तब ये प्रेसिडेंट के पास आता है, और अगर प्रेसिडेंट भी इसे सिग्नेचर कर देता है तभी एक बिल क्या होता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो राज्यसभा होता है ये अपर हाउस भी होता है। अब बात आता है कि इसमें मेंबर कितने होते हैं, मतलब कि कंपोजिशन इसका कैसा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में कि 245 जो है वो मेंबर होते हैं, और इस 245 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 233 जो है वो अलग तरीके से आते हैं, और यहाँ के जो 12 मेंबर है वो अलग तरीके से आते हैं। तो कौन 233 मेंबर जो उसको अपॉइंट करता है और कौन 12 मेंबर को अपॉइंट करता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। हम लोग को ये पता चला कि 245 क्या है, टोटल मेंबर है राज्यसभा के, इसमें से 233 मेंबर जो है वो अलग तरीके से आते हैं और 12 मेंबर अलग तरीके से आते हैं। 233 मेंबर को कौन लाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। एंड 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लाते हैं। टेन्यूर अगर देखा जाए, मतलब कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए आते हैं, 6 ईयर के लिए आते हैं, ओके। और यहाँ पर देखा जाता है कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हमेशा एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो जाते हैं, और जो ये रिटायर होते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, सीट वैकेंट रह जाता है, मतलब कि खाली रह जाता है, उन्हीं सीट के लिए इलेक्शन किया जाता है। पावर एंड फंक्शन जो है राज्यसभा का वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पावर एंड फंक्शन है क्या, सिर्फ हम लोग थोड़ा वो देख ले रहे हैं। देखिए लेजिस्लेटिव पावर है, जिसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसका रिलेटेड पावर होगा। एग्जीक्यूटिव पावर है, आपको मालूम है गवर्नमेंट के लिए ऑर्गेन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को लागू करता है, एंड जुडिशियरी क्या करता है, अगर कोई लॉ को तोड़ रहा है, मींस लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे पनिश करता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है, क्योंकि जितने भी मनी बिल होते हैं वो लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसलिए राज्यसभा के पास कम पावर है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे राज्यसभा के पावर एंड फंक्शन को, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन रिलेटेड होता है किस चीज से, अमेंडमेंट से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल वगैरह है उसको अगर अमेंड करना है, उसको चेंज करना है, अमेंड जब किया जाता है उसमें तब्दीली लाई जाती है, चेंजेस लाया जाता है, तो वो पावर किस में आएगा राज्यसभा का, वो पावर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर माना जाएगा राज्यसभा का।